नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप तो आज की इस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस में हम पढ़ेंगे रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम पढ़ेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर को रेगुलेट करती है और इन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंडिविजुअली सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि नीड रेगुलेशन क्या है रेगुलेशन की उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए ताकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मार्केट इंटरमीडरी इनके पैसे का मिस यूटिलाईज ना कर सके सेकंड कारण ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर और एफिशिएंट फंक्शनिंग हो तो जिस पर्पज के लिए वो लोग बनाएंगे हैं उस पर्पज को एफिशेंटली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके तो चलिए दोस्तों रेगुलेटर्स पढ़ लेते हैं कौन से कौन से हैं पांच मेजर रेगुलेटर्स हैं इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड है सैबी थर्ड है आई फोर्थ है पी एंड फिफ्थ है एफएमसी दोस्तों एफएमसी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 2015 में सेबी के साथ मर्जर हो गया था इसका सो इसलिए अब कंट्री में सिर्फ चार मेजर रेगुलेटर्स ही है तो चलिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का सेंट्रल बैंक है और यह रेगुलेट करता है किन ऑर्गेनाइजेशंस को कमर्शियल बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स को और कुछ एनबीएफसी को तो चलिए आगे बढ़ते हैं पढ़ लेते हैं सेबी के बारे में सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी की गई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सेकंड इसका जो मेन मोटिव था वो था कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिस सिक्योरिटी मार्केट में चल रही थी उनको बंद करना जैसे कि आप जानते हैं हर्षित मेहता या केतन पारेख और सत्यम जैसे स्कैम इन स्कैम्स को रोकने के लिए सेबी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी ये सिक्योरिटी मार्केट को सेबी रेगुलेट uh, करता है और ये रेगुलेटर है किन किन ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट इंटरमीडिएट म्यूचुअल फंड्स या फिर जो मर्चेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और और भी एफ जो भी सिक्योरिटी मार्केट uh, से लिंक है उन सबको जो है सेबी ही इंडिया में रेगुलेट करता है तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आई के बारे में आई की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका काम है कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सेकेंडली इसका काम यह है कि रेगुलेट करना है प्रमोट करना और इंश्योर करना कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ऑर्डरली ग्रोथ हो रही है थर्डली ये इंश्योर करता है कि, कि कस्टमर की कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की तो ये रेगुलेटर किनको करता है इंश्योरेंस कंपनीज को या फिर वो कंपनी को जो इंश्योरेंस बिजनेस में है जैसे कि हम पेटीएम हो गया या नेशनलाइज बैंक या दूसरे प्राइवेट बैंक बैंक इंश्योरेंस मॉडल के अंदर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उन सबको जो रेगुलेट करेगा इंश्योरेंस पार्ट को वो करेगा आई तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पी के बारे में पढ़ लेते हैं पी का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों पीएफआरडीए का काम है कि इंडिया में पेंशन सेक्टर को प्रमोट करना डेवलपमेंट करना और उसको रेगुलेट करना और सबसे बड़ा काम है इसका कि नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज एनपीएस को रेगुलेट करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप पढ़ लेते हैं क्वासी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का क्वाजी रेगुलेटरी का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ही रेगुलेट करते हैं ऐसे पांच इंस्टीट्यूट हैं फर्स्ट है नाबार्ड सेकेंड है एन थर्ड है सिडबी फोर्थ है एग्जिम बैंक एंड फिफ्थ है एमसी तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका काम है एग्रीकल्चर फाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंडिया में तो ये प्रमोशन ये करता कैसा है ये फार्म सेक्टर को रीफाइनेंस करता है रीफाइनेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको आप फार्मर है और आपको लोन लेना है तो नाबार्ड क्या करेगा नाबार्ड करेगा कि एस को मान लीजिए लोन देगा और एस से आप लोन लेंगे मतलब ये इनडायरेक्ट लेंडिंग करता है और इस इनडायरेक्ट लेंडिंग को हम बोलते हैं रीफाइनेंस किन किनको रिफाइनेंस करता है नाबार्ड कमर्शियल बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक्स को और लास्ट में स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को तो नेक्स्ट देख लेते हैं एनएचबी के बारे में नाउस नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक का काम है प्रमोशन करना हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और इनका रेगुलेशन करना तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिडबी के बारे में सिडबी का मींस है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो इसका काम है कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट करना फाइनेंस करना और डेवलप करना ये भी फाइनेंसिंग जो है रीफाइनेसिस के थ्रू ही करेगा और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है और सर्व, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये हम सिडबी वाली वीडियो में देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सिम बैंक के बारे में देख लेते हैं एक्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसका काम है कि जो भी इंडिया में फॉरेन ट्रेड हो रहा है या जो कंपनीज फॉरेन ट्रेड कर रही हैं उनको फाइनेंस करना फैसिलिटेट करना और प्रमोट करना और कुछ एडवाइजरी सर्विसेज ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को देती है कौन सी सर्विसेज देती है वो हम एक्सिम बैंक वाली वीडियो में देखेंगे तो चलिए लास्ट में देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसको रेगुलेट करती है दोस्तों एमसीए जो है वो निधि कंपनीज को रेगुलेट करती है बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में आपको तो दोस्तों ये हमने ओवरव्यू देख लिया रेगुलेटर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन और बेलाइकन को क्लिक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में हमने एक प्ले दी है उसको क्लिक करके आप हमारी और वीडियोज देख लें और जल्दी ही हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू